बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर पाइपिंग नेटवर्क के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्रेस्ड एयर पाइपिंग नेटवर्क। डेड नेटवर्क द इंडस्ट्री जो है वो डेड एंड नेटवर्क से स्टार्ट हुई है। इसका यह मतलब कि कंप्रेसर रूम से न्यूमेटिक मशीन तक एक मेन पाइप जा रहा होता है और उसमें से ब्रांचेस निकल रही होती हैं जो न्यूमेटिक मशीन्स को मशीन के साथ कनेक्ट हुई होती हैं। सिंपल, जिस तरह कंप्रेसर रूम से पाइप आगे जा रहा है उसका डाया में कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा होता है और ताकि उसकी वेलोसिटी में कमी ना आए। ये एक ऑप्टिमल डिज़ाइन, आइडियल डिज़ाइन तो नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल डिज़ाइन ज़रूर है। और वक्त के साथ साथ जिस तरह इंडस्ट्री ग्रो हुई या होती है, डेड एंड नेटवर्क जो है वो ऑक्टोपस नेटवर्क में चेंज हो जाता है। ऑक्टोपस नेटवर्क जिस तरह आप इस ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक विदाउट एनी प्लानिंग कंप्रेस्ड एयर नेटवर्क इंक्रीज किया गया। जिस तरह आपके डिपार्टमेंट्स बढ़े, उसमें पाइपिंग की मटेरियल नहीं देखी गई, डिफरेंट पाइपिंग मटेरियल यूज़ किया गया, डिफरेंट डायाज यूज़ किया गए, और जहाँ पे जो चीज़ कनेक्ट हुई उसको कनेक्ट करके सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए। इसमें ये होता है कि इसकी करेक्टरिस्टिक में शार्प बैंड्स होते हैं, डिफरेंट डायाज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ पाइपिंग कंप्रेस्ड एयर पाइपिंग नेटवर्क होता है, तो उससे ये होता है कि प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, फ्लो के लॉसेस बढ़ जाते हैं। उस फ्लो के लॉसेस को, प्रेशर के ड्रॉप को काउंटर एक्ट करने के लिए बड़े कंप्रेसर लगाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉसेस में इंक्रीज कर देते हैं। सोल्यूशन, जो प्रेशर लॉसेस हमारे पास 98% ऑफ द पाकिस्तान इन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, उसमें पुअरली डिज़ाइन कंप्रेस्ड एयर पाइपिंग नेटवर्क की वजह से या मटेरियल के सिलेक्शन की वजह से जो इंक्रीज प्रेशर लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से बिजली इतनी महंगी होने के बावजूद वो प्रॉफिट्स में से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉस्ट निकल रहे हैं और फ्लो फ्लक्चुएशन की वजह से प्रोडक्शन के लॉसेस हो रहे हैं, तो उन सब की वजह एक पुअरली डिज़ाइन कंप्रेस्ड एयर पाइपिंग नेटवर्क है। और जिस क्योंकि इसको प्रेशर लॉसेस को काउंटरैक्ट करने के लिए कंप्रेसर्स को हाइयर प्रेशर पे चलाया जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बेसिकली किसी भी एफिशिएंट कंप्रेस्ड एयर पाइपिंग नेटवर्क को डिज़ाइन करने में जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि डिजायर्ड फ्लो हर पॉइंट पर पहुंचे और प्रेशर कांस्टेंट रहे। फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी जाती है कि फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंशन आ जाती है या कोई चेंजिंग्स आ जाती है तो क्या आपका कंप्रेस्ड एयर नेटवर्क इतना फ्लेक्सिबल है कि उसको अकोमोडेट कर सके। सोल्यूशन है डिजाइनिंग में, वो है क्लोज लूप पाइपिंग नेटवर्क। हमें देख सकते हैं ये क्लोज लूप पाइपिंग नेटवर्क की एक एग्जांपल है। दो तरफ से पाइपिंग नेटवर्क क्लोज लूप में है, तो मतलब कि फ्लो दोनों तरफ से होगी। इसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी कम होने की वजह से फ्लो लेमिनर रहेगा, और लेमिनर फ्लो क्या करता है वो प्रेशर ड्रॉप को मिनिमम रखता है। सेफ्टी वॉल्स के इस्तेमाल से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, कोई भी पार्ट को कट ऑफ किया जा सकता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी और रिड्यूस प्रेशर ड्रॉप की वजह से ये सिस्टम आइडियल है। अगर प्रॉपरली कैलकुलेटेड सिस्टम हो, प्रॉपरली डिज़ाइंड हो और पाइपिंग मटेरियल भी आइडियल हो, विच इज़ एल्यूमिनियम, तो उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉपेज मिनिमम हो जाती है और इलेक्ट्रिकल लॉसेज भी मिनिमम रहते हैं। इजी मॉडिफिकेशन इसमें का करेक्टरिस्टिक होती है क्लोज लूप पाइपिंग नेटवर्क की, और उसमें आप रिपेयर्स का, उसकी मेंटेनेंस का और एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाती है क्लोज लूप पाइपिंग नेटवर्क में। बात करेंगे डिजाइनिंग कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।